जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में प्लेयाडीज स्टार क्लस्टर को अपने टेलीस्कोप से कैप्चर किया और मैंने फर्स्ट ट्राई में ही बेस्ट रिजल्ट्स पाए। डबल स्टार क्लस्टर जो कि कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन के साइड और थोड़े से नीचे आता है और प्रेजर कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल टॉप पर आता है। और इस प्रेजर कॉन्स्टेलेशन में दो और ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक्स प्रेजर और एच प्रेजर, और इन्हीं के बीच में हमारा डबल स्टार क्लस्टर आता है। और इस क्लस्टर में बहुत सारे स्टार्स हैं कंपेयर टू प्लेयाडीज स्टार क्लस्टर के। अब हमारे टेलीस्कोप का अपर्चर तो 76 mm है, देखते हैं डबल स्टार क्लस्टर के कितने स्टार इससे कैप्चर हो पाते हैं। हे गाइस, आज की वीडियो में यही डीप का ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने वाला हूं, यानी कि डबल क्लस्टर को आज मैं कैप्चर करने वाला हूं अपने इस टेलीस्कोप से जिसका अपर्चर है 76 mm। और अगर आपको क्लस्टर कैप्चर करना है तो लगभग आपका जो अपर्चर है वो 100 mm से ऊपर आना चाहिए, बिकॉज सारी स्टार्स अगर कैप्चर करने हैं तो 100 mm तो रहना ही चाहिए, बिकॉज बहुत सारे स्टार्स होते हैं किसी भी क्लस्टर्स में। जैसे कि प्लेयाडीज में मैं सारे स्टार्स को कैप्चर नहीं कर पाया था बिकॉज अपर्चर बहुत थोड़ा सा छोटा है, तो मैं उसमें टाइम लैप्स बना दिया, तो उसमें लगभग सारे स्टार्स ऑब्वियसली आ गए थे। और आपको भी कैप्चर करना है तो आपका अगर स्मार्टफोन में जो आपका स्मार्टफोन का कैमरा है वो सही नहीं है तो आप ये किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये डीप्स का कैमरा बीटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं डीप्स का कैमरा बीटा है, इसको आप यूज़ में ले सकते हैं डीप्स का को कैप्चर करने के लिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको रात के समय बताऊंगा। और यहाँ पर टाइम स्प्रेड भी है, इसे आप टाइम लैप्स नाइट लैप्स बनाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। और यहाँ पर प्रो कैम भी है, आप देख सकते हैं ये प्रो कैम आता है जो आपके स्मार्टफोन में अगर प्रो मोड का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए ये यूज़ करता है हमारा जो है प्रो मोड का ऑप्शन, यही समझ लीजिए है। इसे मैं यूज़ लेता हूँ बिकॉज मेरे इस वाले स्मार्टफोन में कैमरा ऑप्शन में हमारा प्रो मोड का ऑप्शन नहीं है, तो प्रो कैन का मैं यूज़ करता हूँ। इसका पूरा नाम है प्रो कैन एक्स, इसका पूरा नाम है, आप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं आज डबल क्लस्टर को कैप्चर करूँगा और मेरे पास ज़्यादा कोई इक्विपमेंट तो है नहीं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू द 1K। तो अब आपसे रात को मिलते हैं बिकॉज मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहता, और फटाफट से अपना जो फाइंडर स्कोप है उसे अटैच कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा मून भी अब धीरे धीरे राइज होने लगा है, राइज तो हो चुका है पर अब से जो है हमें मून दिखेगा पूरा, मतलब फुल मून तक हमें मून दिखेगा। तो आपको अभी लाइव मून भी दिखाऊंगा, पहले अपना जो फाइंडर स्कोप है उसे अटैच कर लेते हैं वरना रात हो जाएगी। अगर आपके यहाँ अगर जो है जब मून राइज होता है तब भी आप रात में फाइंडर स्कोप को अटैच कर सकते हो, बिकॉज जो मून है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करता है, तो अपना टेलीस्कोप जो है उस पर पॉइंट कर देंगे, उसके बाद वहीं पॉइंट रखे हुए अपना जो फाइंडर स्कोप है उसे भी वहीं पॉइंट कर देते हैं, तो रात में भी आप जो है फाइंडर स्कोप को अटैच कर सकते हो जब मून राइज हुआ रहे। तो मैं फटाफट से अपना फाइंडर स्कोप जो है टावर को देखकर अटैच कर लेता हूँ। सो गाइस, अभी हमारा फाइंडर स्कोप जो है टेलीस्कोप से अलाइन हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको भी कैप्चर करना है तो उसे कैसे फाइंड करें। वैसे तो आप स्टेलरम ऐप पर या स्टार वॉक 2 किसी भी ऐप पर आप फाइंड कर सकते हो, बट नेकेड आई से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन अगर आप जानते होंगे तो हमारा जो नॉर्थ का डायरेक्शन उसके हल्का सा साइड में जो कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन है वो राइज रहता है, और उसका जो सबसे नीचे वाला स्टार है उसे आप देखेंगे, और उसके थोड़ा सा साइड में मतलब राइट साइड में और थोड़ा सा नीचे और आप देखेंगे तो प्रेजर कॉन्स्टेलेशन रहेगा, वो भी काफ़ी बड़ा कॉन्स्टेलेशन है। और प्रेजर कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल टॉप पर आप देखेंगे तो हमारा वहीं रहेगा डबल क्लस्टर, उसमें ज़्यादा स्टार्स तो आई थिंक नहीं रहते हैं, होंगे भी प्रेजर मतलब जो प्लेयाडीज स्टार क्लस्टर उसके मुकाबले तो ज़्यादा स्टार्स रहेंगे। मैं अभी आप कैप्चर करूँगा, फर्स्ट टाइम मैं कैप्चर करने जा रहा हूँ डबल क्लस्टर को, और प्रेजर कॉन्स्टेलेशन के जस्ट टॉप पर रहेगा प्रेजर, एच प्रेजर और एक्स प्रेजर नाम का कोई और ऑब्जेक्ट रहता है, मैंने स्टेलर मैप पर देखा, आप भी देख सकते हैं स्टेलर मैप पर। और मैं आपको वो भी अगर मेरा अपर्चर अगर उस अपर्चर में आ गया एक्स प्रेजर और एच प्रेजर तो वो भी आपको दिखा दूंगा, बाकी अच्छे से कैप्चर करूंगा। मिलते हैं आपसे रात को, पहले आपको मैं लाइव मून दिखा देता हूँ अपने टेलीस्कोप से। सो गाइस, इधर यहाँ पर आप मून को एकदम लाइव देख सकते हैं, मेरे 20 mm आई पीस लगाया हुआ है अपने टेलीस्कोप में, और ये रहा इसका नॉर्थ पोल, और यहाँ पर इसका जो है नीचे साइड साउथ में ये रहा आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ, ये है इसका साउथ पोल, दिख नहीं रहा है अब, दिखने लगा ये इसका साउथ पोल। और चलिए हम मिलते हैं आपसे रात के टाइम और कैप्चर करेंगे अपने डबल क्लस्टर को। सो हे गाइस, अभी हो चुकी है रात और मेरा यहाँ पर टेलीस्कोप है, मैं ये पॉलिथीन जो है लगाकर चला गया था नीचे, ये बैग्स में मिलती है वाटरप्रूफ है, इसमें मैं लगा दिया था और चला गया था नीचे। और अभी मैं आया हूँ और जो है हमारा जो जुपिटर प्लैनेट है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, सैटर्न भी आ चुका है बहुत ज़्यादा ऊपर, और हमारा मून लगभग थोड़ा सा दूरी पर चला गया है, और हमारा जो डबल क्लस्टर है वो भी एकदम एकदम लगभग ऊपर आ चुका है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी एकदम सिर पर आ चुकी है।
तो मैं फटाफट से कैप्चर करता हूँ, अगर थोड़ी भी देरी की तो जो हमारा डबल क्लस्टर है वो भी एकदम ऊपर आ जाएगा तो कैप्चरिंग में दिक्कत होगी। तो फटाफट से कैप्चर करता हूँ, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ जुपिटर प्लैनेट को। सो गाइस यहाँ पर है मेरा टेलीस्कोप और मून आप वहाँ देख सकते हैं, वहाँ चला गया। और मैं अभी सैटर्न आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो मैं स्मार्टफोन से अगर अपने जूम करूँ तो दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं, आई थी ये आप देख सकते हैं सैटर्न प्लैनेट यहाँ पर है। और जुपिटर प्लैनेट मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये रहा जुपिटर प्लैनेट, और प्लेडीज भी लगभग यहीं कहीं है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा है, नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है। मेरा टेलीस्कोप है यहाँ पर, मैंने लाइट बंद कर दी है। अब मैं फटाफट से कैप्चर करता हूँ और आपके रिजल्ट्स के बाद मिलता हूँ। कैप्चर करने के बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा, उसके बाद मैं मिलूंगा लास्ट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस पिछले वीडियो मुझसे एक गलती हो गई थी, मैं परसियस कॉन्स्टेलेशन को प्रेजर कॉन्स्टेलेशन बोल रहा था, एज अ प्रेजर कॉन्स्टेलेशन मैंने स्टार मैप पर जल्दी जल्दी में गलत पढ़ लिया था, उसके लिए सॉरी। वो प्रेजर कॉन्स्टेलेशन नहीं, परसियस कॉन्स्टेलेशन आप सर्च कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये नहीं बताया था डीप स्काई कैमरा बीटा को यूज कैसे करते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। गाइस यहाँ पर हमारा डीप स्काई कैमरा बीटा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा और नॉर्मल से हमारा ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीस्कोप है, और सिंपल से हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, एक्सपोजर, आईएसओ, ऑटो, सब कुछ अपने आप से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद पहले अपना जो कैमरा है वो अपने आईपीस से अटैच कर लीजिएगा मोबाइल माउंट की मदद से। उसके बाद ये सब सेट करने के बाद ये आईएसओ, एक्सपोजर, ये क्लिक कर दीजिएगा आप नॉर्मल से। कुछ टाइम बाद अपना जो एक्सपोजर जितना आप देंगे वो पूरा कर लेगा, तो उसके बाद अपना जो फोटो है वो चला जाएगा गैलरी में, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। इसको इसी तरीके से यूज़ करते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर सो क्लोज तो 1K, तो 1K जल्दी से कराइए। उसके बाद मिलते हैं न्यू वीडियो में डीप स्काई या किसी भी कैप्चरिंग के साथ। बाय।